हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी के सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप टाइटल से समझ पा रहे होंगे और वीडियो में दिखाई दे रहे टाइटल से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएड, बीपीएड वाले छात्र प्रमोट हो गए हैं, तो क्या बीएसटीसी या डीएलएड वाले छात्र भी प्रमोट होंगे? तो दोस्तों ऐसा सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा यदि आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो दोस्तों ये सवाल कि क्या बीएसटीसी डीएलएड वाले छात्र भी प्रमोट होंगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और पूरी जानकारी के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी विद्यार्थी चैनल या वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। एक न्यूज पहले आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री थे भंवर सिंह भाटी, उन्होंने ये आदेश दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के जो विद्यार्थी है वो प्रमोट होंगे, इस प्रकार से उन्होंने न्यूज डाली थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी बीएसटीसी जो शब्द है वो नहीं लिखा हुआ था, अर्थात बीएसटीसी या डीएलएड वाले छात्रों के लिए यह सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के जो छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया था। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी नहीं होंगे प्रमोट, इस तरीके से ये न्यूज वायरल हुई थी। लेकिन दोस्तों बीएसटीसी वाले छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या बीएसटीसी वाले छात्र प्रमोट नहीं होंगे? तो दोस्तों बीएसटीसी वाले छात्रों को भी प्रमोट करना चाहिए, वे भी प्रमोट होंगे, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें कि क्या बीएसटीसी वाले छात्रों को प्रमोट करना चाहिए। यदि आप यस लिखेंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतना ही अच्छा है, ताकि यूट्यूब के थ्रू जो सरकार है उसको पता चल सके। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी रिजल्ट होगा वो हम वीडियो बना कर ही हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियो जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि बीएसटीसी वाले छात्रों को प्रमोट करना चाहिए, इस तरीके से आपको कमेंट लिखनी है। तो दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जब भी नोटिफिकेशन बीएसटीसी तरफ से जारी होगा, डीएलएड की तरफ से जारी होगा, तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूंगा। तो दोस्तों ये सूचना थी, ये जो क्वेश्चन था वो सभी के दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सपोर्ट जरूर करें।